हाँ समझ में आता है, समझ में आता है। लिप्स तो पापा जैसी है। हाँ किस पे गई हो आप? लेकिन फिर भी बहुत शांत है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विजया ब्लॉग। सो आज ये ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता नहा धो के मैं रेडी हो चुकी हूँ। नाश्ता फटाफट से सोचा कि नाश्ता कर लूँ क्योंकि दित्या सोई थी, उसको वैक्सीनेशन लगा था ना, तो फिर उसके वजह से उसको फीवर वगैरह आ रहा था, तो फिर वो तो कैसे कैसे तो सोई थी रात भर जागी बेचारी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फटाफट से नाश्ता बना करके मैं नाश्ता कर लूँ, और इस एक काम से छुट्टी मिलेगा मुझको कि फिर उसके पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि उठती है ना तो फिर रोने लगती है, फिर उसको कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वाला काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं उसके पास चली जाऊँ। गुड मॉर्निंग बाबू, आज मेरे बाबू को बुखार हो गया है। हाँ लेकिन फिर भी बहुत शांत है और सो ही रही है बेचारी। फर्स्ट टाइम जो लगा था मैंने उसको वैक्सीनेशन, उसमें इसको बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत रो रही थी वो। रात भर इसको मैं लेके बैठी थी गोद में, कल भी लेके बैठी थी बट इतना नहीं, नीचे सो रही है। आज सुबह इसको नीचे रखी, नीचे आराम से सो रही है, अब उठी है और मालिश वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। बस बिकॉज उसको पैर में सुई लगाया तो उसको दर्द वगैरह होगा, और बुखार है ना तो उसको अच्छा भी नहीं लगेगा। इसके लिए आज और कल थोड़ा सा उसको वो करेंगे, उसके बाद परसों से मालिश करेंगे। और भैया बेटू, हेलो समर दीदी, बाबू उठ चुकी है। मैडम को बुखार है तो एकदम सुस्त पड़ी हुई हैं, अभी तो नहीं है फिलहाल बुखार, फिर भी थोड़ा बहुत गर्म है सर इनका। हाँ दीदी बुखार हो गया था? हाँ बुखार हो गया था बाबू को। अच्छा अच्छा हाँ। तो आज सुबह से इसलिए बहुत सुस्त पड़ी हुई है, कल वैक्सीनेशन हुआ है मैडम का, तो ना मालिश हुआ आज ना ही नहाई है, इसीलिए ना नहीं नहाई बुखार की वजह से, है ना? है ना दीदी? है ना दीदी? है ना दीदी? दीतिया है क्या भाई? हाँ ओहो A few moments later. शाम और अभी अभी मैंने जस्ट चाय फिनिश की है, और दिखते भी ठीक है, बुखार आ रहा है लेकिन वो मतलब इतने कॉन्फिडेंस उसको फेस कर रही है ना कि मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ उसको बेचारी को। देखो बेचारी को बुखार है बट रो नहीं रो रही, ना रो रही है ना परेशान कर रही है, आराम से सो रही है, उठ रही है, भूख लग रहा है तो उठ जा रही है ना दिव्या, है ना? है ना? बोलो बोलो। तो मानना पड़ेगा भाई इसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना रात में और स्ट्रांग हो गई है। फर्स्ट वाले में मतलब था प्रॉब्लम थी, उसको बिल्कुल भी नीचे नहीं रख सकते थे, लेकिन अब हुआ है कि अब आराम से नीचे सो रही है गोद में, नहीं पैरों में उसको थोड़ा सा दर्द है, थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जा रही है बीच बीच में लेकिन बहुत कम, लेकिन अब बहुत ज़्यादा होशियार हो गई है, मेरे को ही देख रही है कि मम्मा मेरे बारे में क्या बोल रही है। मम्मा आप मेरे बारे में क्या बोल रही हो? बेटा मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। यस अच्छा मम्मा ये बताओ, हाँ आप मेरे सब्सक्राइबर। बेटा ये आपके हाथों में क्या है? मम्मा ये मैं ना डांस करती रहती हूँ और मजा करती रहती हूँ, हाँ मैं लड्डू बनाती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा, हाँ दादी को दूंगी, नानी को दूंगी लड्डू, आपको नहीं दूंगी मम्मा। हाँ पापा को दोगी?
हाँ पापा को भी दूंगी, बस आपको नहीं दूंगी। क्यों, मैं आपकी दुश्मन हूँ? नहीं मम्मा, आपको मैं दूसरा कुछ दूंगी ना। ओके अच्छा, आपके लड्डू बना के हो गए? हाँ दित्या, ओ दित्या हो गई, बन रहा है? हाँ मम्मा, ये तो मेरा स्टाइल है बनाने का, देखो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मैं इसी तरीके से लड्डू बनाती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अब भी एक खा लेना। हाँ आपने क्या क्या डाला है लड्डू में, बताओ जरा, बता दो सबको। नहीं मम्मा, ये पर्सनल है रेसिपी, मैं आपको नहीं बता सकती। हाँ पागल छोकरी, हमारी पागल छोकरी। दित्या कुछ दिनों में 3 महीने की हो जाएगी, तो उसका फोटो शूट भी करेंगे हम लोग ना दित्या। आप आज ठीक हो जाओ, कल भी ठीक हो जाओ, ठीक है, फिर आपका परसों हम फोटो शूट करेंगे, ठीक है? हाँ नया नया कपड़ा पहनाएंगे आपको, यहाँ पे अच्छे से हेयर बैंड लगाएंगे, आपको सुंदर सुंदर बनाएंगे। हाँ मेरी बेटी को सुंदर सुंदर बनाएंगे, है ना, है ना? का किसे देख रही हो? हाँ किसे देख रही हो भाई, किसे देख रही हो तुम? अच्छा अच्छा अच्छा, ओ ओ ओ देखे पापा आ गए। है ना, पैर तुम जरूर उठाओगी, उठने लग गया तुम्हारा पैर, है सुंदर लग रही, नजर नहीं लगी भैया मेरे बच्चे को। दित्या ए पापा बुला रहे हैं। ए दित्या, दित्या पापा आ गए। कौन सा? ये वाला। दित्या पापा आ गए। हाँ पापा को हेलो बोला, हेलो बोला, नहीं बोला तो देखो पापा। हाँ हेलो बोलो, हाय पापा कैसे हो, मेरी याद आई कि नहीं आई? आई कितनी आई, थोड़ी सी आई कि ज़्यादा आई? हाँ लड्डू बनाया पापा के लिए, खिलाओगी लड्डू? दिखा दूँ कैसे कैसे लड्डू बनाई? हाँ अभी भी बना रही हो क्या? नहीं अभी तो नहीं बना रही लड्डू, पहले बना रही थी। हाँ बहुत सारे लड्डू बनाई, दादी के लिए बनाई, नानी के लिए बनाई, पापा के लिए बनाई, मम्मा के लिए नहीं बनाई। हाँ मम्मा के लिए स्पेशल बनाया है। हाँ नहीं Hey guys, welcome back. So, मैं और दित्या एज वेल यहीं इसी प्लेस पे आपको मिलते हैं हर रोज़, हर रोज़ क्या, आज सुबह से तो मैं यहीं पर हूँ दित्या के साथ में ही हूँ, क्योंकि उसको हो रही है मतलब बुखार वगैरह हो रहा है, अभी भी थोड़ा सा बुखार आ गया है, दवाई दिया है डॉक्टर ने तो 3 बार बोला देने के लिए, अभी एक बार और दूंगी उसको। अब सोएंगे, देखते दित्या सोती है कि नहीं, तो आज दिन भर सोई है, रात भर सोई है, दिन भर सोई है, तो फिर पता नहीं रात में सोई नहीं सोई, वैसे तो लग रहा है सोई क्योंकि तबीयत खराब है ना, तो थोड़ा सा लो फील कर रही है, तो हो सकता है कि सोए, और मैं भी फिर सोऊंगी। और आज ऐसे कुछ वीडियो बना नहीं, कुछ खास कुछ इंटरेस्टिंग। हाय गाइस, सो यू बज रहे रात के 11 और दित्या सो गए हो जा रही है बार बार 5-5 मिनट में, और क्या रहा देखो रात में ऐसी है, दिल लग रहा है कैसे सोने वाली है, सब लोग सो रहे हैं उस रूम में चले गए, ये इनको ऑफिस आना लगता है इसलिए वो उस रूम में चले गए सोने के लिए, और मेरी बेटी यहाँ पर है नाइट आउट कर रहे हैं, सोच रही कॉफ़ी बना लूँ, जागना तो है ही है, बच्चे सो नहीं रही है तो उसके साथ जागेंगे क्योंकि उसको बुखार है। अब ठीक है दवाई खाइए, अब खाइए नहीं दवाई पिए तो ठीक है, और लेकिन सो नहीं रही है, सोएगी, अभी ट्राई करती हूँ जितनी सोती है कि नहीं सोती है, और सोच रही हूँ कॉफ़ी बना लूँ आपके लिए, नींद तो वैसे आ नहीं रही है, देखते क्या करना है फिलहाल के लिए, बस वीडियो मैं यहीं तक रखी हूँ, थोड़ी देर से बात करते हैं उसके बाद मैं वीडियो ख़त्म करूँ। आज से कुछ स्पेशल किया नहीं और ना हुआ, बट जो भी था जैसा था मैंने आपको शेयर किया, आपको आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, लेट्स गो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, मैं फिर मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे सपोर्ट करते रहे, आपका प्यार बहुत जरूरी, बहुत 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 ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।
खाना खाई आपका हाथ निकालो, लग जाएगी चोट आपको। हाथ अंदर मत डालो भाई, हाथ निकालो वहाँ से, हाथ निकालो, मैं कह रही हूँ हाथ निकालो, नहीं सुनोगी मेरी बात। दित्या बिट्टू भैया, अच्छा, बहुत देखती हो तुम फोन भाई, 2 महीने की हो तुम इतना फोन देखती हो, तुम्हें समझ में आता है ये फोन है? हाँ समझ में आता है, खूब समझ में आता है तुम्हें फोन। हाँ